फ्रेंड्स, जब भी हम मैथ का कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ज़्यादातर हमारी मैथ में कैलकुलेशन स्लो होने के कारण एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। या तो हम फ्रेंड्स कैलकुलेशन के अंदर नंबरों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, या फिर नंबरों को डिवाइडेशन करने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैं लेकर आया कुछ मैथ के ऐसे ट्रिक्स जिसको सीखने के बाद आपकी मैथ की मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, जिसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल असल एजुकेशन में। तो चलिए बात करते हैं अपने दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक की, जिससे अपने किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, चाहे वो अपना नंबर कोई भी हो, जैसे 42x35 हो या 75x82 हो। आप किसी भी नंबर का इस ट्रिक से मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। दोस्तों, अपने यहाँ पर नंबर लेते हैं 22x34। अब अपने को 22 को 34 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ पर तीन स्टेप फॉलो करते हैं। तीन स्टेप में अपना पहला स्टेप होता है कि पहले अपने राइट वाले साइड के नंबरों के मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अपने राइट साइड में नंबर हैं 4 और 2 हैं, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने कितना आता है, 8 आता है। और दूसरे स्टेप में अपने क्या करते हैं कि इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में अपने क्या करते हैं कि 4 को 2 से इंटू करते हैं तो अपने 8 आता है, और 3 को 2 से इंटू करते हैं तो अपने 6 आते हैं। इन दोनों को जोड़ देते तो अपने टोटल 14 आता है, और इस 14 का अपने 4 तो रखते हैं और एक आगे कैरी दे देते हैं। जब एक आगे कैरी देते हैं तो अपने फिर लास्ट स्टेप के अंदर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड के नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो अपने कितना आते हैं, 2 × 3 = 6 आते हैं, 6 और 1 = 7 हो जाते हैं, और ये अपना फाइनल आंसर आ जाता है। तो चलिए इसी ट्रिक से कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो अपने यहाँ पर नंबर लेते हैं 43x34। अब अपने 43 को 34 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी तीन स्टेप फॉलो करते हैं। पहले क्या करते हैं, अपने राइट साइड वाले नंबरों के मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट साइड में अपने नंबर हैं 3 और 4 हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने कितना आता है, 12 आता है। यहाँ पर 12 का सिर्फ अपने 2 रखते हैं और एक आगे कैरी दे देते हैं। यहाँ पर अपने ने अगर 2 रखा तो एक आगे कैरी दिया, और फिर अगले स्टेप में अपने क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने 4 को 4 से इंटू करते हैं तो अपने 16 आता है, और 3 को 3 से इंटू करते हैं तो अपने 9 आता है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो अपने 25 आता है, और एक जो अपने ने कैरी लिया था वो जोड़ देंगे तो अपने 26 आएगा। 26 का अपने ने 6 लिखा और 2 आगे कैरी दे दिया, और लास्ट स्टेप के अंदर अपने क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड वाले नंबरों के मल्टीप्लाई करा देते हैं। लेफ्ट साइड में अपने नंबर हैं 4 और 3। जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने कितना आता है, 12 आता है। दोस्तों, 12 में 2 जोड़ते हैं तो अपने 14 आता है, और ये अपना फाइनल आंसर होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बता देना कि अगली वीडियो आपको मैथ की किस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर चाहिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में मैथ की नई शॉर्ट ट्रिक के साथ।